नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बसंत पंचमी के दिन कानपुर के वैभव लक्ष्मी मंदिर में महिलाएं करती हैं कलश परिक्रमा। बसंत पंचमी का दिन यानी माँ सरस्वती का दिन और बसंत ऋतु की शुरुआत का होना है, जिसके स्वागत के लिए भक्त अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हुए परिवार के लिए मनोकामना मांगते हैं। वहीं कानपुर के बिरहाना रोड स्थित वैभव लक्ष्मी मंदिर में 500 कलश से महिलाओं ने माँ की परिक्रमा करते हुए पूजन पाठ किया। मंदिर के पुजारी के अनुसार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बसंत के दिन कानपुर सहित दूर दराज से आई महिलाएं भक्तों ने सिर पर कलश रखते हुए परिक्रमा की। जय माता वैभव लक्ष्मी। आज क्या कार्यक्रम मंदिर पे हो रहा है बसंत पंचमी? जी, आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे माता की 19वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। माता की स्थापना के 19 वर्ष हो चुके हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष माता की कलश परिक्रमा होती है, जिसमें दूर दूर से महिलाएं आती हैं, दूर दूर से पुरुष आते हैं और माता की इस प्रदक्षिणा में भाग लेते हैं। भक्त कलश उठाते हैं और माता का जो स्नान का जल है वो उस कलश में दिया जाता है और वो कलश का जल लेकर भक्त अपने घर में ले जाते हैं और उस जल को घर में छिड़कते ही भक्तों का ऐसा अनुभव रहा है कि घर धन धान्य से भरपूर रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है हर वर्ष और जो भी इस भंडारे में यदि थोड़ा सा भी योगदान देता है किसी प्रकार से, तो ऐसा मानते हैं कि माता उनका घर धन धान्य से हमेशा भरपूर रखती हैं। तो आज के दिन हम लोगों ने बहुत ही विशेष श्रृंगार किया है। यहाँ पर 501 कलश का श्रृंगार हुआ है और दूर दूर से महिलाएं, दूर दूर से भक्त श्रद्धालु सब आ रहे हैं और इस कलश यात्रा में भाग ले रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सब आए और माता के दर्शन प्राप्त करें। जय माता। बोल मैम, आज बसंत पंचमी तो कहाँ पर आई है, किस तरह से कलश यात्रा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसी कामना है कि यहाँ सभी स्त्रियाँ कलश लेके परिक्रमा पूरी करती हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये कलश घर में ले जाके उसके जल को चढ़ाया जाता है और इसका प्रसाद अपने परिवार में ही वितरित किया जाता है। सबसे इस मंदिर से जुड़े हुए क्या अच्छा है? जब से मंदिर बना हुआ है तब से ही हम लोग यहाँ पे, आज 19 साल हो गए हैं, तो हम लोग तब से यहाँ से जुड़े हुए हैं। महिलाएं जो महिलाएं आने का समर्थ है, तो उनके भाई है या पति है, कोई भी घर के बच्चे हैं, कुछ भी लोग, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।